के अपडेट्स आपको देंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से सोशल साइंस की जो जानकारी सामने आई है आरटीआई के माध्यम से, उस पर पहले एक नज़र डालते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सब्जेक्ट सोशल साइंस सब्जेक्ट कोड 107 यहाँ पर पूरी डिटेल्स जो है कैटेगरी वाइज दी हुई है, किस कैटेगरी में कितनी रिक्तियाँ निकाली गई थी और कितने अभ्यर्थी क्वालिफाई हुए हैं। हालांकि आप देख पा रहे हैं कि टोटल वैकेंसीज के बराबर ही टोटल क्वालिफाइड कैंडिडेट्स की जो संख्या है, काउंट है, वह है, क्योंकि आप जानते हैं कि सोशल साइंस में जितनी सीट हैं तमाम जो है वो फेल हो गई हैं, अभ्यर्थी इसमें ज़्यादा हैं। तो यूआर कैटेगरी की अगर बात करें तो 2022 वैकेंसीज निकाली गई थी और उतने ही अभ्यर्थी जो है वो क्वालिफाई घोषित हुए हैं। क्वालिफाई से यहाँ पर मतलब मेरिट लिस्ट में शामिल हुए अभ्यर्थियों से है। सबसे एंड में अगर आप देखेंगे टोटल क्वालिफाइड कैंडिडेट का जो काउंट है, संख्या है, वह टोटल वैकेंसीज के बराबर ही है 5055, क्योंकि जितने भी सीट्स की वैकेंसीज थी वो सारी फिल हो चुकी है। सोशल साइंस में, कंप्यूटर साइंस में, इस तरह के विषयों में जो है अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा थी, तो हम कह सकते हैं कि बाकी जो अभ्यर्थी शेष रह गए हैं या फिर जो नॉट इन मेरिट में है लेकिन क्वालिफाइड हैं, उनके लिए सरकार को सीटों की संख्या को बढ़ाना चाहिए और नोटिफिकेशन निकालना चाहिए 7th फेज के लिए, ताकि उनकी भी बहाली जो है वो 7th फेज में हो सके। और बाकी जो मेरिट लिस्ट वाले अभ्यर्थी हैं उनके लिए तो सरकार आए दिन कोई ना कोई बात जो है वो करती रहती है। व्हाट्सएप पर जो मैसेजेस वायरल हुए थे संजय कुमार के, तो उसमें भी हमने देखा था कि उन्होंने कहा था कि डिपार्टमेंट जो है वो मेरिट लिस्ट वाले अभ्यर्थियों के बारे में विचार कर रहा है, तो इसके लिए शायद हो सकता है नियमावली में कुछ संशोधन इत्यादि किया जा रहा है, तो उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल देखते हैं कि आज 7वें चरण की बहाली से संबंधित क्या क्या अपडेट्स निकल कर सामने आई हैं। सबसे पहले तो इस खबर की तरफ चलते हैं जहां यह लिखा गया है कि 6ठे चरण के बाद होगी 7th फेज की यानी 7वें फेज की शिक्षक नियुक्ति। साथ ही प्रकाशित हुआ है कि शिक्षकों की नियुक्ति को शिक्षा विभाग ने मांगी आयोग से अनुमति। तो ये कोई भी नई बात नहीं है, पहले तो आपको यह बता दें कि ये तो अंडरस्टूड है कि 6th फेज के बाद ही 7th फेज की जो बहाली है, नियुक्ति है, वह स्टार्ट हो पाएगी। और दूसरी बात जो प्रकाशित हुई है कि शिक्षा विभाग ने अनुमति मांगी है, तो वह भी हम पहले से ही देखते आ रहे हैं कि अनुमति ही मांग रहे हैं पंचायत निर्वाचन आयोग से, क्योंकि पंचायत चुनाव अभी वर्तमान में बिहार में जैसे चल ही रहे हैं, तो अभी जब स्टार्ट नहीं हुए तब से ये लोग अनुमति मांग ही रहे हैं और अभी तक इनको अनुमति नहीं मिली है, और आगे भी उम्मीद है कि पंचायत चुनाव के बीच में तो ये काउंसलिंग का शेड्यूल निकालेंगे नहीं, तो इसलिए अब यही दिख रहा है कि 12 दिसंबर यानी पंचायत चुनाव समाप्त होने के बाद ही जो है 6ठे चरण की जो 3rd राउंड की काउंसलिंग शेष रह गई है वह कंप्लीट हो पाएगी, उसका ये शेड्यूल जारी करेंगे। तो इस खबर को भी आप विस्तार से पढ़ सकते हैं। इसमें नई बात केवल यह लिखी गई है कि शिक्षा मंत्री ने अभ्यर्थियों से अपील की है, वर्तमान एवं संभावित अभ्यर्थियों से अपील की है कि इस स्थिति का संज्ञान वह लेंगे एवं अनावश्यक किसी भी भ्रम का शिकार होने से बचेंगे। अन्य खबरों के माध्यम से भी यही बात प्रकाशित की गई है कि शिक्षा मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी ने बताया है कि पंचायत चुनाव के कारण नियोजन प्रक्रिया बाधित हो गई है, शिक्षक नियोजन प्रक्रिया जल्द पूरी कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग से अनुमति मांगी गई थी लेकिन अब तक आयोग से अनुमति नहीं मिल पाई है। साथ ही उन्होंने अभ्यर्थियों से वही अपील की है कि इन हालातों को वे अच्छी तरह समझते हैं तो इसको संज्ञान में लें, किसी भी भ्रम का शिकार ना हो। दरअसल वह सब अच्छी तरह से जानते हैं कि मुखिया पंचायत समिति और जिला पार्षद के चुनाव अभी वर्तमान में चल रहे हैं और आदर्श आचार संहिता भी नियोजन प्रक्रिया में बाधक साबित हो रही है। तो जल्द पूरा होगा शिक्षकों का नियोजन, इस तरह की खबरें हम पहले कई बार आपको बता चुके हैं, क्योंकि बार बार अखबारों के जरिए, टीवी चैनल्स के जरिए यही बात शिक्षा मंत्री दोहराते रहते हैं कि जल्द पूरी होगी प्रक्रिया। पहले हाईकोर्ट का हवाला वह देते थे कि उसकी वजह से प्रक्रिया बाधित है और अब पंचायत चुनाव का बहाना बना रहे हैं, तो देखना यह होगा कि क्या इस बार भी अपनी बात से फिर से मुकरते हैं, अपना जो फैसला है, जो बयान है, उसको बदलेंगे, या फिर जल्द ही 12 दिसंबर के बाद जो है 3rd राउंड की काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर देंगे और इस साल के एंड तक बिल्कुल ही जो है 6ठे चरण को अंतिम रूप दे देंगे, ताकि नए वर्ष में, नए साल 2022 में 7वें चरण की बहाली का नोटिफिकेशन जारी कर सकें। एक बात लेकिन शिक्षा मंत्री ने यहाँ पर सही कही है कि अभ्यर्थी किसी भी भ्रम का शिकार ना हो, किसी के बहकावे में ना आए, किसी भी चंदा चोर को चंदा इत्यादि ना दे 6ठे चरण की कार्रवाई को जल्द पूरा करवाने के लिए, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। पंचायत चुनाव समाप्त होने के बाद ही आप देखेंगे कि 3rd राउंड की काउंसलिंग का शेड्यूल निकाला जाएगा और उसके बाद जो है सत्यापन इत्यादि की कार्रवाई होने के बाद ही नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। तो दिवाली तक ना सही लेकिन होली तक तो आपको ये उम्मीद कर लेनी चाहिए कि शायद आपको शिक्षक बनने का अवसर जो है बिहार सरकार द्वारा दिया जा सकता है, नियुक्ति पत्र इत्यादि आपको मिल सकता है।
डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन का काम जो है वो सभी जिलों में लगभग चल ही रहा है। दरभंगा जिले की अगर बात करें तो यह खबर निकल कर आई है कि काउंसिल की चयनित सूची में जोड़ दिए 10 अतिरिक्त नाम, 3 नाम हटाए गए और अन्य जो 7 नाम हैं उनको भी हटाने का आदेश प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने दिया है। दरभंगा के 74 पंचायत नियोजन इकाइयों में 294 अभ्यर्थियों का चयन हुआ था। वेबसाइट पर पोर्टल पर सूची भी अपलोड कर दी गई थी, लेकिन बाद में पाया गया कि 10 अतिरिक्त नामों को यहाँ पर जोड़ा गया है, यानी कि कुछ घोटाला इत्यादि किया गया जो बाद में पकड़ा गया है। और अब उसमें से जो 3 नाम है उनको हटा भी दिया गया है, बाकी 7 नामों को हटाने का भी जो आदेश है वो प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने DO के द्वारा दिया है। तो इस तरह के घोटाले इत्यादि की खबरें भी निरंतर निकलकर सामने आ ही रही हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन काम बड़ी तेज़ी से चल रहा है, क्योंकि आपको पता है कि जो एक डेडलाइन है 31 अक्टूबर 31 अक्टूबर तक वह सभी कार्रवाई पूरी हो जाएगी। अगर अक्टूबर ना से लेकिन नवंबर महीने तक तो यह जो सत्यापन का काम है वह पूरा हो ही जाना चाहिए। एक अन्य खबर के द्वारा यह प्रकाशित किया गया है कि सरकारी स्कूलों में 39 छात्रों पर एक शिक्षक। सासाराम जिले से निकलकर यह खबर आई है कि जो है सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की जो कमी है उसको दर्शाती है रिपोर्ट। साथ ही यह भी साइड में आप देखेंगे कॉलम में लिखा गया है कि 6ठे चरण के तहत उच्च व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में व्यापक स्तर पर शिक्षकों का नियोजन किया जाना है और शिक्षक नियोजन के बाद जिले के स्कूलों में शिक्षकों की स्थिति बेहतर हो सकती है। तो ऐसा जिला शिक्षा पदाधिकारी संजीव कुमार जो है रोहतास जिले के, उनका कहना है, क्योंकि आप जानते हैं कि 6ठे चरण में प्राइमरी के साथ साथ हाई स्कूल और प्लस टू के शिक्षकों की भी बहाली हो रही है। हालांकि ज़्यादा अभ्यर्थी नहीं है, सीटों की संख्या काफ़ी खाली भी रहने वाली है, लेकिन फिर भी हम देखेंगे कि इससे काफ़ी फर्क पड़ेगा, स्कूलों को शिक्षक इत्यादि मिल सकेंगे ताकि जो है बच्चों की पढ़ाई जो है विद्यार्थियों की पढ़ाई वो सुचारू रूप से हर जिले में स्टार्ट हो पाएगी। तो फ्रेंड्स ये थी आज नहीं हो जाए तब से ये लोग अनुमति मांग ही रहे हैं और अभी तक इनको अनुमति नहीं मिली है और आगे भी उम्मीद है कि पंचायत चुनाव के बीच में तो ये काउंसलिंग का शेड्यूल निकालेंगे नहीं। तो इसलिए अब यही दिख रहा है कि 12 दिसंबर यानी पंचायत चुनाव समाप्त होने के बाद ही जो है 6ठे चरण की जो 3rd राउंड की काउंसलिंग शेष रह गई है वह कम्प्लीट हो पाएगी, उसका ये शेड्यूल जारी करेंगे। तो इस खबर को भी आप विस्तार से पढ़ सकते हैं। इसमें नई बात केवल यह लिखी गई है कि शिक्षा मंत्री ने अभ्यर्थियों से अपील की है, वर्तमान एवं संभावित अभ्यर्थियों से अपील की है कि इस स्थिति का संज्ञान वह लेंगे एवं अनावश्यक किसी भी भ्रम का शिकार होने से बचेंगे। अन्य खबरों के माध्यम से भी यही बात प्रकाशित की गई है कि शिक्षा मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी ने बताया है कि पंचायत चुनाव के कारण नियोजन प्रक्रिया बाधित हो गई है, शिक्षक नियोजन प्रक्रिया जल्द पूरी कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग से अनुमति मांगी गई थी लेकिन अब तक आयोग से अनुमति नहीं मिल पाई है। साथ ही उन्होंने अभ्यर्थियों से वही अपील की है कि इन हालातों को वे अच्छी तरह समझते हैं तो इसको संज्ञान में ले, किसी भी भ्रम का शिकार ना हो। दरअसल वह सब अच्छी तरह से जानते हैं कि मुखिया पंचायत समिति और जिला पार्षद के चुनाव अभी वर्तमान में चल रहे हैं और आदर्श आचार संहिता भी नियोजन प्रक्रिया में बाधक साबित हो रही है। तो जल्द पूरा होगा शिक्षकों का नियोजन, इस तरह की खबरें हम पहले कई बार आपको बता चुके हैं, क्योंकि